बढ़िया भाई। इधर बन रहा है सवा ले भाई, सुहेल भाई बताना नहीं है, 80 रुपए के 4 जवाब है। वो बिल्कुल भी बताना है, यहाँ पर पहले ही बता रहा हूँ। 24 घंटे मेरे पूरे हो गए हैं घर से बाहर। Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel Suhail Vlogs। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी बहुत अच्छा हूँ। यार आज ना मैं सोच रहा था कि एक चैलेंज लिया जाए, मतलब अब तक मैंने अपने इस व्लॉग चैनल में कोई भी चैलेंज नहीं लिया। आज सोच रहा था पहला चैलेंज आज ही लिया जाए रमजान में। तो अभी टाइम हो रहा है बिल्कुल एग्जैक्ट 3 बज रहे हैं और हम ले रहे हैं 24 आवर्स का चैलेंज। मैं अपने घर से बाहर रहूंगा पूरे 24 घंटे के लिए और बिना माँ बाप के, बिना भाई बहन के, बिना घर के 24 आवर्स के लिए मैं जा रहा हूँ घर से बाहर। ना रोजा रखूंगा घर से बाहर, इफ्तार सहरी सब कुछ दिखाऊंगा आप लोगों को, पूरा रोजा कैसे रखता हूँ मैं। ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि रुकूंगा कहाँ पर। हाँ पहले चलते हैं कॉलेज और वहां जाकर ही डिसाइड करेंगे अब कहाँ रुकना है। तो यार रमजान में जो जाकिर नगर और शाहीन बाग इतना चमकता है ना, वो सब दिखाऊंगा आप लोगों को और वहीं पर ही हम लोग कोशिश करेंगे कि वहीं पर हमारा सहरी हो और इफ्तार भी देखते हैं कहाँ पर करते हैं। तो अब निकलते हैं यहाँ से। राइट गाइस, तो यार अभी हम लोग आ गए हैं रूम पर, मतलब हम लोग क्या, मैं ही आ गया था इन्हीं लोगों के रूम पे। ये देखो भाई बंदा पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहे हो भाई? पाइथन। पायथन पढ़ रहे हो? एक्चुअली हमारा पायथन का प्रैक्टिकल है, उसी चीज की तैयारी चल रही है अभी क्योंकि एग्जाम्स हो गए हैं, लेकिन एक प्रैक्टिकल रह गया था पायथन का, तो वो भी हो जाएगा। ये देखो रूम बड़ा ही साफ सुथरा हो रखा है इस टाइम पर। एक हॉस्टल में रहने वाले बंदों के लिए बहुत मुश्किल होता है अपने रूम को साफ करना, क्योंकि मैं भी कुछ साल पहले हॉस्टल में रहता था, मुझे ही पता है कि मैं कैसे रहता था हॉस्टल लाइफ में। एक हफ्ते में एक बार तो कम से कम रूम साफ करना ही पड़ता है। तो यार 4:19 हो गए हैं और मेरे 24 आवर्स में 1:19 हो चुके हैं। रोजा भी मेरा है, अलहमदुल्ला रोजा भी चल रहा है। मुझे 1 करीब लगा यहाँ पर आने में। तो अभी फिलहाल मैं ओखला आ गया हूँ, ओखला हेड पर, जामे से थोड़ी सी दूर है ओखला हेड। असर के बाद नमाज पढ़ के यहाँ से बाहर मार्केट दिखाऊंगा आप लोगों को, फिर वहाँ पर इफ्तार लेने जाएंगे और फिर खुद इफ्तार बनाएंगे और फिर इफ्तार करें। अभी मिलता हूँ। कहाँ क्या लेने जा रहे हो? चीनी, नींबू और वगैरह, तो फल वगैरह सब। मतलब भाई अकेला मैं बढ़ गया हूँ तो ज्यादा लोग हो गए हैं। और क्या? देख रहे हो भाई मैं अकेला बढ़ गया हूँ तो ज्यादा लोग हो गए। ये एक अजीब जानवर है, कितना ही खाया घूम रहा। ये अपनी बात कर रहे हैं। भाई मैं तो नॉर्मल थोड़ा बहुत खा लेता हूँ, यही लोग हैं जो हफ्सी, यही लोग हैं जो हफ्सियों की तरह खाते हैं भर भर के। चलो फिर तुम जाओ जल्दी लेकर आओ। और जब तक मैं थोड़ा सा पढ़ लूँ, श्रद्धा दीदी से पढ़ रहे हैं हम लोग। हाँ भाई चीनी ले आएगा। ये लो भाई चीनी और नींबू आ गई है। ये रोजा तो पहली बार देख रहा हूँ। वाह भाई वाह, ये है छोटा रूह अफजा। हमारे मारूफ भाई अपने चीनी बर्तन लेकर तैयार हो चुके हैं। ओहो थोड़ा सही से ही फाड़ लेते मारूफ भाई, तो यार पूरी मेहनत कर रहे हैं भाई, देख रहे हो नवीद भाई? बहुत मेहनत चल रही है। देखो अभी हमें टाइम पास कर रहे हैं अभी भाई, 5:55 हो गए, अब जल्दी चलते हैं बाहर क्योंकि टाइम है बहुत कम और जल्दी से इफ्तार का सामान लेकर आते हैं और फिर बनाते हैं। अब देख रहे हो 5:55 मैं निकला था अपने घर से 3 बजे, तो ऑलमोस्ट 3 मुझे होने वाले हैं। 3 निकल चुके हैं, थोड़ी देर में फिर होगा इफ्तार। चलो भाई चलो क्या क्या खरीदना भाई, देख लेते हैं भाई। हमारे वो अखबार वाला दस्तरखान कहाँ है भाई? वाला नहीं ब्रो, हम अपडेट हो चुके हैं। अब अपडेट हो चुके हो क्या? दस्तरखान ले चुके हो? दिखा हमें भी दिखा। अरे माशाल्लाह आप अब अखबार से दस्तरखान पर आ चुके हैं। वाह वाह राइट। तो यार अभी इफ्तार हो गया हमारा, इफ्तार अब भी बच गया क्योंकि हम लोगों से सब कुछ नहीं खाया गया। पहले हम नमाज पढ़ के आते हैं, नमाज पढ़ने के बाद फिर इसको खाना खाएंगे। पहले तो बहुत बातें कर रहे थे, खाओगे खाओगे क्या हो गया? वो तो बस भूख लगता है तो लगता है भाई, बहुत खा लेंगे। पहले तो ऐसा लगेगा पूरे दिन की हाँ भाई प्यासे हैं भूखे हैं, अब तो नहीं, मैं अभी भूखा हूँ भाई, नमाज। देखा आपसी कौन है, देखा आपसी कौन है, यही है वो शख्स, यही है वो शख्स। हाँ भाई
इफ्तार डन। अच्छा अभी इफ्तार रखा है, अंगूर रह गए हैं और ये रह गया, थोड़े से पकोड़े रह गए और सब हमसे नहीं खाया गया। मारो भाई ने धोखा लिया है, अब हम इन्हें एक करके खाएंगे। मैच देखो, मैच स्टार्ट हो गया है और इनके लैपटॉप में आवाज नहीं है बिल्कुल भी। 3, 2, 1 लेट्स स्टार्ट। 6.5 hours later. हाँ भाई टाइम हो गया 12:15 और ये देख रहे हो नवेद भाई, भाई आ गए हैं शेक पीने के लिए। कौन सा क्या पीने हो? मौसमी का जूस। मौसमी यहाँ सर पेट दर्द कर रहा है, सोच रहा हूँ पी लूँ, थोड़ा ऑयली ज्यादा हो गया तो इसका इफेक्ट थोड़ा कम कम हो जाए। लेंगे आप? ना भाई पियो बस। अरे दीजिए। 12:15 तो हो गए, मुझे कितने घंटे हो गए भाई? 9 घंटे होने वाले, 9.25 घंटे हो गए मुझे। 9.25 घंटे से बाहर हूँ और 24 घंटे होने में अब भी काफी टाइम है। पढ़ाई अभी तक कुछ भी नहीं करी है भाई। अली भाई आ गए थे, थोड़ी बहुत अली भाई से बात करी। ये नवेद भाई भाई सो गए थे। जावेद नारी पर आ गए थे और यहाँ पर हो रही है बहुत ज़्यादा भीड़। अपनी बाइक लगा दी है इधर, यहाँ से आगे का हम जाकिर नगर पैदल एक्सप्लोर करेंगे, पैदल दिखाऊंगा आप लोगों को वहाँ का। आगे चल के आप लोगों से मिलते हैं, ठीक है? मारू भी अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट करती है। मारू भी देखो ब्लॉगर बन गया हमारा, ब्लॉगिंग करते हुए आ रहे हैं। मारे भाई भी हमारी ये भाई भी ब्लॉगर बन गया मुझे देख देख कर। मारो भाई ब्लॉगिंग एट इट्स पीक। यार टाइम हो रहा है अभी 1:17 रात के और भीड़ देखो इस टाइम पर। राइट तो यार अभी हम लोग आ गए थे यहाँ कुरेशी के बिल्कुल सामने खड़े हुए हैं ना, लखनऊ गलावटी है उसके सामने ये है भाई शहीद रोल। तो इधर आ गए थे हम लोग रोल खाने के लिए और मारूफ भाई गए हैं, उन्होंने उधर ऑर्डर कर दिया है। इधर सामने हमारे कबाब बन रहे हैं कुरेशी कबाब, इधर चल रहा है शरबत मोहम्मद और इधर बराबर में चलती है बिरयानी। भाई सब मीठा इधर है, उधर है पहलवान, इधर बन रहा है तवा। ले भाई सुहेल भाई मटन कबाब और पराठे, ये आ गए हमारे कबाब पराठे। हाँ खा लिया, टेस्ट आया नहीं? वाकई में आया मटन के कबाब है, पराठे बेहतरीन बन रहे हैं। ज़्यादा नहीं है, 80 रुपए के 4 कबाब हैं, 15 रुपए का 1 पराठा है। खा लेते हैं, खाने के बाद मिलते हैं आपसे। राइट गाइस, तो यार अभी हम लोग आ गए थे भाई सियाफत में, आ गए हम लोग सियाफत। एक तो ऑर्डर कर दिया क्योंकि मारो भाई को लग रही थी हमारे भूख क्या भाई, बहुत लगी है, बहुत लगी है। 2 बजने वाले हैं और अब खा रहे हैं खाना। पहले हमने लिया चिकन रोल, चिकन रोल के बाद हमने लखनऊ गलावटी में गए, वहाँ पर हमने खाया कबाब पराठे। कबाब पराठे उसमें भी पेट नहीं भरा भाई। अब आ गए जियाफत, बिल्कुल उसके सामने ही है भाई। देखो सही बता रहा हूँ, इधर मत आना यार, ये तो इसने सही लूट लिया मतलब। तो बाकी ज़्यादा बेकार है मेरे हिसाब से। नाम है इसका जियाफत, कुरेशी कबाब से थोड़ा सा आगे, वो बिल्कुल भी मत आना यहाँ पर, पहले ही बता रहा हूँ। यहाँ पर बटला और उसको और भी जगह है वैसे अच्छी अच्छी। चलो खैर अब आ गए, अब ऑर्डर कर दिया तो खा लेते हैं। शरबत मोहब्बत पी लेते हैं, है ना? ये ले लो 3 गिलास। हाँ भाई हो गया, अब सब कुछ खाना पीना हो गया, पेट ऑलमोस्ट भर गया। अब भी ऐसा लग रहा है थोड़ी सी कमी रह गई है क्योंकि मूड खराब हो गया था थोड़ा सा। खैर कोई नहीं, अब देखो बाइक हमारी सीधी वहीं खड़ी है जहाँ हम लोग खड़ी करके गए थे और बाकी इधर सब बंद हो चुका है, ऑलमोस्ट यहाँ से निकलते हैं। अब आधी सैरी हो गई है, अभी भूख लगी तो देखेंगे। बाइक हमारी ये रही, लगभग 3 बज चुके हैं, आ गए रूम पे, अब करता हूँ पढ़ाई, उसके बाद सैरी, फिर सोएंगे, फिर जाएंगे कॉलेज। राइट तो यार अभी हम लोग सो गए थे और सो के अब उठे हैं। मैंने कुछ सैरी तो करी नहीं, जो खा कर आए थे बस वही था। उसके बाद अब हमारे पास ये खजूर हैं और अब मैं ये खजूर खा रहा हूँ साथ में दूध, क्योंकि मारूफ भाई ने बहुत ही ज़्यादा गर्म कर दिया। क्या मारूफ भाई? सेवई और दूध। राइट गाइस, तो अभी टाइम हो गया 2:05 दोपहर के और अभी सो कर उठे हैं, अब सब लोग तैयार हो रहे हैं। मारूफ उल्टा होके कपड़े मार मानव देखो कोने में जा जाके कपड़े चेंज कर रहा है। राइट तो यार अभी हम लोग बस जा रहे हैं क्लास और क्लास चलते हैं, कॉलेज पहुंचते हैं और पता ही नहीं चला। सोकर उठने के बाद मतलब सहरी खाकर फजर की नमाज पढ़ी और फिर सो गए और सोने के बाद अब उठे हैं सीधा 2 बजे, सीधा कॉलेज जाके मिलूंगा।
राइट। तो यार अब लोग आ गए हम लोग अपने वापस से डिपार्टमेंट पर, डिपार्टमेंट आ गया, अब चलते हैं क्लास, क्योंकि क्लास को हो गए लेट। और क्लास इसके भाई शादाब सर की है, रिस्क एनालिसिस। सर पढ़ा रहे हैं कई और बंदा भी लेट आया, देखते हैं कौन है वो। ओ वाह हन्ना भाई, मैं पढ़ाई करता हूँ फिर मिलता हूँ। राइट तो यार अभी क्लास हो गई और सब लोग मतलब क्लास ऑलमोस्ट खाली हो ही रही है। तो गाइस 3:15 हो चुके हैं और मैं घर से 3 बजे निकला था, 24 घंटे मेरे पूरे हो गए हैं घर से बाहर भाई। 24 घंटे का वो लिया था हमने, हो गए ना 24 घंटे, 3 बजे निकले थे हाँ घर से, 3 बजे निकला था, 24 घंटे पूरे हो गए बिना घर वालों के। पूरा रोज़ा भी चल रहा है अभी और इफ्तार भी हो गया, सहरी भी हो गई। राइट गाइस, तो यार अभी नमाज़ पढ़ के आ गए हम लोग, नमाज़ हो गई और अब वापस से जा रहे हैं अपनी क्लास की तरफ। अभी यहीं पर हूँ, अब घर जाऊँगा, शाम को ही निकलूँगा यहाँ से। वो 24 घंटे तो खैर हो गए, 24 घंटे वाला हमारा पूरा हो गया, जो भी चैलेंज हमने किया था बिना घर वालों के। हमने खुद इफ्तार बनाया, खुद इफ्तार करा, तहरी भी मतलब खुद तो नहीं बना पाए क्योंकि कुछ था नहीं बनाने के लिए, तो बाहर खाने चले गए थे, तो वो बाहर खाना वगैरह वो हो गया। तो आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और यार इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर दो आप लोग तो यार नीचे मेरा इंस्टाग्राम यूजर नेम आया होगा, वहाँ पर जाकर फॉलो भी कर लेना, और जो भी अपडेट्स वगैरह होंगे वो वहीं पर ही मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।